गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा एंड देन हमने लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और इसका डेरिवेशन पढ़ा। अब आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में कुछ कॉमन फोर्सेस का जिक्र है। उन कॉमन फोर्सेस को मैं एक बार बता देता हूँ और वो क्यों जिक्र है वो बता देता हूँ। यानी कि वो कॉमन फोर्सेस को आपके बुक में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम पढ़ेंगे दो ही फोर्स। तो कॉमन फोर्सेस में एक तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ही कॉमन फोर्स में, नेचर में ये होता ही है। और ये फोर्स परवेसिव नेचर का है, यानी कि ओमनी प्रेजेंट है। एक तरीके से जहाँ भी जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। आप कहीं भी चले जाओ अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो ये परवेसिव नेचर का फोर्स हुआ। दूसरा जो फोर्स है आप फील करते हो वाटर में, फील करते हो सबसे ज़्यादा नदी में, तालाब में, समुंदर में। तो फोर्स ड्यू टू फ्लूइड है और ये बायंसी फोर्स होता है। तो जब भी फिजिक्स में फ्लूइड के अंडर कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स की बात होगी तो बायंसी फोर्स आएगा वहाँ पर, और उसकी अपनी एक मैकेनिक्स में इम्पोर्टेंस है बायंसी फोर्स का। ये हम पढ़ेंगे आपके पार्ट टू में, यानी 11th के पार्ट टू में है बायंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक, स्टोक्स लॉ। तो इसको भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे। देन थर्ड आता है फोर्स इन स्ट्रिंग, यानी किसी रस्सी में पत्थर बंधा है और स्ट्रिंग में कितना फोर्स जा रहा है, कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है, ये हम अभी पढ़ेंगे। एंड फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग चौथा है आपका, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के कारण कितना फोर्स लगता है। स्प्रिंग का भी मशीनरी में बहुत यूज होता है, आप देख तो बफर्स बनते हैं इसके, शॉकअप्स बनते हैं इसके, और भी बहुत जगह एप्लीकेशन है इसकी। तो इसके कारण जो फोर्स होता है स्प्रिंग के कारण, उसको स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। वो भी हम पार्ट टू में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है स्प्रिंग को लेकर। तो हाल फिलहाल अब हम जो पढ़ेंगे आप, तो हाल फिलहाल हम फोर्स ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ेंगे। फोर्स ऑन स्ट्रिंग का सिस्टम हम पढ़ेंगे पुली। तो मैं अब डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ पुली से। पुली में भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम लेते हैं, दो मासेस का सिस्टम पुली में, और उसको देखते हैं। फिर दो मास के बाद आप जितने चाहे उतने मास ले लो, और हाँ सिंपलेस्ट केस ही देखेंगे हाल फिलहाल पुली में। तो इस तरीके से आपका कुछ पुली होता है। इस तरीके से आपका ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इस पुली को आप कहीं पे ऐसे हैंग कर देते हो और इससे स्ट्रिंग पास होती है, दोनों साइड स्ट्रिंग। यहाँ आपका कुछ मास हो सकता है, कुछ फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो, मास से भी फोर्स ही होगा, फोर्स है तो फोर्स है ही। मान लेते हैं इसका मास है M1, तो इसका फोर्स हो जाएगा वेट के फॉर्म में W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। इधर भी कोई मास है, इसको आप M2 कहो, इसके कारण इसका वेट हो जाएगा, इसका M1g है, इसका हो जाएगा M2g। अब इस कंडीशन को अच्छे से समझना है, पुली की कंडीशन को। पहली बात, पुली फ्रिक्शनलेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पुली है वो है आपकी फ्रिक्शनलेस पुली। फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग आपकी पुली फ्रिक्शनलेस है, और जो आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है मासलेस।
एक बात नॉन स्ट्रेचिबल है, यानी कि खींचोगे तो एक्सपांड नहीं होगी, तो नॉन एक्सटेंशिबल या नॉन स्ट्रेचिबल है, ठीक है। ये आपकी स्ट्रिंग का केस है, मास नहीं है स्ट्रिंग का कुछ भी, ठीक है, आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। नॉन स्ट्रेचिबल है यानी खींचेगी नहीं, जितनी लंबी उतनी ही रहेगी, और फ्रिक्शन कुछ भी नहीं इन दोनों के बीच में, यानी फ्रिक्शन के कारण जब ये रोटेट होगी तो फोर्स नहीं होगा, सिर्फ स्लिप हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। अब एक फोर्स तो इसमें लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है M1 पर, M1G नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण, और इस पे एक दूसरा फोर्स भी लगेगा भाई, अगर ये बैलेंस है, रेस्ट पे है, तो इतना ही फोर्स ऊपर लगेगा, वो होगा टेंशन T, और यहाँ भी टेंशन T होगी। अब आप कहोगे सर यहाँ M1 है तो यहाँ T1 लिख देते, यहाँ M2 है तो T2 लिख देते। आप ध्यान देना, जब किसी भी स्ट्रिंग को आप खींचोगे तो आप इस तरफ से खींच रहे हो, तो उसके जो पार्टिकल होंगे स्प्रिंग के, जिनसे मिलकर वो बनी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में उनमें फोर्स लगेगा। जब आप जैसे स्प्रिंग को आप खींचते हो इधर, तो स्प्रिंग आपको इधर खींचती है, सेम चीज़ आपकी स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग को आप इधर खींचोगे तो इधर खींचेगी, ठीक, ऐसे आप इधर से खींचोगे तो इधर खींचेगी। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है हमेशा कि किसी भी स्ट्रिंग में अगर बीच में कुछ नहीं जुड़ा है, भले अलग अलग फोर्स से आप उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, लेकिन उसमें टेंशन जो जनरेट होगी दोनों एंड में सेम होगी, सेम T1 T2 नहीं, एक ही होगी, T1 होगी तो दोनों तरफ T1, T2 होगी तो दोनों तरफ T2, अदरवाइज T लिखोगे तो दोनों तरफ T। अब ये मास है M1, इसमें नीचे फोर्स लग रहा है M1G, तो ऊपर आपने टेंशन लिख दिया T, आप T1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है, तो जब बीच में कुछ कनेक्ट नहीं है तो अगर आपने T1 लिखा तो यहाँ भी T1 होगी, अपोजिट होगी, एक दूसरे को कैंसिल करेगी। अगर कैंसिल नहीं करेगी, सपोज दैट आप कहो कि सिर्फ T1 इसी डायरेक्शन में जाएगी, तो कंटिन्यू उसमें फोर्स बना होने के कारण थोड़ी देर बाद वो क्या होगी, या तो ब्रेक हो जाएगी, तो वह एक्सटेंड हो जाएगी, तो T1 इधर से T1 उधर से दोनों कैंसिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है। अब इन शॉर्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि T1 तो T1, T2 तो T2, T1 इससे आवे तो T1 इससे आवे, यहाँ T लिखा है T इससे आवे तो यहाँ से भी T आवे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, हमेशा यही रूल चलेगा। अब दो केस है, ये एक्सेलरेट कर रही है, नहीं कर रही, यानी कोई एक मास ज़्यादा है कोई कम है। अगर यहाँ कंडीशन आप लिख देते हो M1 ग्रेटर देन M2, तो भाई ये फोर्स बढ़ जाएगा M1G और M2G घट जाएगा, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा और ये उसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड जाएगा, ठीक। अगर M2 ग्रेटर देन M1 है तो फिर M2G ज़्यादा हो जाएगा और M1G कम, ये नीचे ही फ्लिप होगा और ये ऊपर जाएगा, एक्सेलरेशन जो इसका नीचे आने का होगा वो एक्सेलरेशन इसका ऊपर जाने का। हाल फिलहाल M1 ग्रेटर देन M2 है, M1G ज़्यादा है और M2G कम है, M1G इसको नीचे ले आएगा A एक्सेलरेशन से और M2G ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन से। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम यानी एक ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तो आप बाकी हटा दो और सिर्फ ये ऑब्जेक्ट देखो M1, तो M1 में आपके दो ही फोर्स हैं, एक फोर्स M1G डाउनवर्ड, दूसरा फोर्स है T अपवर्ड, और उसके बाद भी नेट फोर्स है, किधर है नेट फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन है, तो इक्वल टू नेट फोर्स लिख देंगे। तो आपको रूल ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली ध्यान रखना है रूल, कि आप हमेशा जिस डायरेक्शन में फोर्स के कारण मोशन हो रहा है उसी फोर्स को पॉजिटिव लिखोगे। सिंपलेस्ट तरीका है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो मोशन हो रहा है M1G की डायरेक्शन में, तो आप पहले लिखोगे M1G, और इसके अपोजिट फोर्स कौन है, T है, तो उसको लिखोगे -T। क्या ये बैलेंस है, यानी क्या ये रेस्ट पे ऑब्जेक्ट, नहीं, रेस्ट पे होता तो मैं लिख देता 0, लेकिन ये रेस्ट पे नहीं, ये तो एक्सेलरेट हो रहा है, और वो एक्सेलरेशन किधर है, M1G की तरफ, तो लिखोगे आप M1A, ये नेट फोर्स आया, किधर, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ M1G है, उसका प्लस साइन,
एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, तो ये नेट फोर्स भी m1a, ये आपका प्लस ही साइन आएगा। ठीक, ये इक्वेशन नंबर वन हुई। ऐसे अब आप सेकंड बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसमें m2g नीचे, t ऊपर, लेकिन मोशन किधर हो रहा है, t की तरफ हो रहा है। तो मैंने कहा जिसके कारण मोशन हो, जो ज़्यादा पावरफुल हो, वहीं से इक्वेशन लिखो। तो t पावरफुल है और m2g वीक है, तो आप t माइनस m2g लिखेंगे। t माइनस m2g इज इक्वल टू, एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है एक्सेलरेशन, और m2 मास पर एक्सेलरेशन, तो m2a। ये इक्वेशन टू सही है। t की तरफ है एक्सेलरेशन, तो t को पॉजिटिव, तो m2a भी पॉजिटिव, क्योंकि ये भी ऊपर और ये भी मोशन ऊपर हो रहा है। सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, आप कहीं से भी t को एलिमिनेट कर दो, आप यहाँ से t की वैल्यू उठाओ, यहाँ रख दो, और आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो मैं आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, नहीं तो बोर्ड और मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। a इज इक्वल टू आएगा m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में और चाहे सेकंड में, एक्सेलरेशन की ये वैल्यू रखोगे और आप सीधे टेंशन डिटरमाइन कर लोगे। ठीक है, तो आपको टेंशन मिल जाएगी। तो दो ही चीज़ आपको डिटरमाइन करनी पड़ती हैं, एक तो टेंशन, 90% केस में टेंशन ही पूछ, एक्सेलरेशन पूछते हैं, और 10% केस में टेंशन होती है, तो हम टेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो पूछे आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, इसमें एक फार्मूला आप कभी भी मत भूलना, शॉर्टकट है, आपको बता रहा हूँ। इस सिचुएशन में जबकि दोनों वर्टिकल हैं, मासलेस स्ट्रिंग है, इस केस में एक्सेलरेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ। जितने मासेस के कारण डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, यानी वो सारे मास जो डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं वो प्लस, और वो सारे मास जो अपवर्ड मोशन कर रहे हैं वो माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। मान लो तीन मास डाउनवर्ड हैं, m1, m2, m3, तो लिखोगे m1 प्लस m2 प्लस m3, और m4 और m5 दूसरे साइड हैं और वो अपवर्ड मोशन कर रहे, तो उनको कर दोगे माइनस, इनटू में कर दोगे g, और अपॉन में टोटल सारे मास का सम करोगे। यहाँ भी आप देखो m1 डाउनवर्ड है, m1 को प्लस लिखा, m2 अपवर्ड मोशन है, m2 को माइनस लिखा है, इनटू g किया, और अपॉन में दो ही मास उनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो जब आप नीचे अपॉन करोगे तो टोटल को ऐड करोगे, लेकिन ऊपर आप जब करोगे तो नीचे आने वाले मासेस को प्लस और ऊपर जाने वाले मासेस को माइनस करोगे और इनटू जी करोगे, सीधा एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है।